नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति उनियाल। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय मूल के सांसदों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न देशों से आए सांसदों को किया संबोधित, कहा वे भारत के विकास में बने भागीदार। भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के लिए 10,000 करोड़ की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में किया संशोधन। और ऋषिकेश में बेकाबू ट्रक की वाहनों से टक्कर, भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत और 5 घायल। शहर के बीचों बीच हीरालाल मार्ग पर हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न देशों से आए भारतीय मूल के सांसदों से आग्रह किया है कि वे भारत के विकास में भागीदार बने और देश के आर्थिक विकास में सहयोग दें। आज नई दिल्ली में भारतीय सांसदों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत की विकास गाथा को दुनिया भर में फैलाकर देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू इंडिया, वेलकम होम। प्रधानमंत्री ने पहले प्रवासी सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 23 देशों के 140 से ज्यादा सांसदों और मेयरों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर प्रवासियों के भारत के प्रति अप्रतिम लगाव को सराहा। उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देश का स्थायी प्रतिनिधि भी बताया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए किए गए पिछले 3 सालों में सरकार के प्रयासों को बताया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों और प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी न सिर्फ भारतीय नागरिक बल्कि प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर भी 24/7 वो आपको सक्रिय नजर आएगी। उनके नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने काउंसलर ग्रीवेंसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिस्पांस के लिए मदद पोर्टल की व्यवस्था खड़ी की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में 21वीं सदी को एशिया के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि विकास की राह पर आगे बढ़ने की बारी अब भारत की है। उन्होंने विश्व की तरक्की में भारतीयों के योगदान को तो सराहा ही, साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीयों के जरिए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भी जोर दिया। भारत के विकास के लिए हमारे प्रयासों में हम प्रवासी भारतीयों को अपना पार्टनर मानते हैं। नीति आयोग ने भारत के विकास के लिए 2020 तक का जो एक्शन एजेंडा बनाया है उसमें प्रवासी भारतीयों को विशेष स्थान दिया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की है। इन सभी सड़कों पर निर्माण कार्य अगले 6 माह में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्य की सड़क परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। हमने आज भारतमाला में 570 किलोमीटर के जो 570 किलोमीटर रोड लेंथ है इसका खर्चा है करीब 10,000 करोड़, और 10,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। ऐसे 5 प्रोजेक्ट को आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में NHIDCL ने DPR पूरा किया है, उसको हमने आज क्लियरेंस दिया है और 6 महीने में ये 10,000 करोड़ के काम हम शुरू करेंगे।
गडकरी ने भू अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन भूमि मामलों में राज्य सरकार की तत्परता को लेकर सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने मार्च 2018 तक परियोजना के सारे टेंडर करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी के बड़ेथी और नालू पानी के लैंडस्लाइड क्षेत्रों पर भी काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा यमुना घाटी को जोड़ने वाली 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा टनल पर भी शीघ्र काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए लगभग 90% कार्य जून 2018 और सभी कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा करने की डेडलाइन कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है। ये चार धाम के सब प्रोजेक्ट को हम लोग अवार्ड का टेंडर पर देंगे, यानी इसके बारे में बाकी कोई बाकी रहेगा नहीं। 4.5 किलोमीटर की सिलकरा, ये 1300 करोड़ की टनल है, ये इसको अभी हमने टेंडर इश्यू किया है। दिल्ली शामली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा और अगले 6 माह में इसका काम शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2019 तक उत्तराखंड में कुल 50 करोड़ रुपए के सड़क कार्य किए जाएंगे। सड़क परिवहन के मामले में उत्तराखंड 2019 तक एक बदला हुआ राज्य नजर आएगा। ऑल वेदर रोड के लिए काटे जा रहे पेड़ों पर टिप्पणी करते हुए श्री गडकरी ने बताया कि हर एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हरिद्वार तक एक है और हरिद्वार से डेहराडून तक है, तो दिल्ली से हरिद्वार तक करीब 75-80% काम पूरा हुआ है। और ये जो हरिद्वार से डेहराडून है, 280 करोड़ रुपए NHAI इस प्रोजेक्ट के लिए दे रही है। मैंने योजना बनाई है 10 करोड़ पेड़ लगाने की गंगा के रिवर फ्रंट के बाजू में, तो एक पेड़ कटेगा तो 10 पेड़ हम लगाने की जिम्मेदारी लेंगे। राज्य सरकार और हम मिलकर वो पेड़ लगाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड में किए जा रहे कार्यों को 31 दिसंबर 2018 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने देहरादून को भी नमामि गंगे योजना में शामिल करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में संचालित नमामि गंगे के 1,191 करोड़ रुपए के 66 कार्य प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं को समय से पूरा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी की रिसाइकलिंग कर उसके व्यावसायिक उपयोग की दिशा में भी पहल की जाए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के अधीन किए जाने वाले कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारा पहले प्रायोरिटी है कि हम गंगा को पहली बात दूषित जल जो जा रहा है उससे शुद्ध करें, निर्मल गंगा को करें हमारा पहला काम है, और मुझे लगता है कि ये उपयोग में होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सिनेमा घरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि केंद्र द्वारा बनाई गई 12 सदस्यों की अंतर मंत्रालय समिति इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। पीठ ने विचाराधीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये स्पष्ट किया कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांगों को खड़े होने से छूट दी जाएगी, वह समिति का फैसला आने तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर निकलने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी ग्रामीण पर्यटन पर आधारित होगी। महानिदेशक सूचना डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उत्तराखंड की झांकी का चयन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति के सम्मुख 29 राज्यों और 20 मंत्रालयों द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से अंतिम रूप से केवल 14 राज्य और 7 मंत्रालयों की झांकियों का चयन किया गया है। ऋषिकेश में हीरालाल मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने 5 वाहनों को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में सिंचाई विभाग के कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना आज सुबह 10 बजे हीरालाल मार्ग पर हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने
कार दो पहिया वाहनों के साथ ही ट्रक को टक्कर मार दी। इसी बीच मौके पर खड़ी एक बाइक भी ट्रक की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार सिंचाई विभाग के बाबू राम रूप सिंह रावत निवासी इंदिरा नगर कॉलोनी ऋषिकेश और दो पहिया वाहन सवार कुंदन शर्मा निवासी सहरसा बिहार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना होते ही मार्ग पर अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को लेकर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। उत्तरायणी मेले के लिए ऐतिहासिक सरयू बगड़ भी सजने लगा है। 8 दिन तक चलने वाले इस मेले में पालिका ने व्यापारियों के लिए 623 अस्थायी दुकानें बनानी शुरू कर दी है। 13 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाले उत्तरायणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इसके साथ ही जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले की तैयारियों के मद्देनजर नगर पालिका द्वारा वृहद स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बार मेले में पालिका के 100 पर्यावरण मित्र स्वच्छता के लिए तैनात रहेंगे, जो अपना काम करने के साथ लोगों को भी गंदगी करने से रोकेंगे। शौचालय हमने व्यवस्था कर ली है, जिस पर कि ये कोशिश है कि कोई भी मेलार्थी हमारा, उसको ये न लगे कि हमें शौचालय नहीं मिल रहा है या वो कहीं बाहर चला जाए। इसके लिए हमने पहले से भी व्यवस्था करी। जो हमारे दुकानदार आ रहे हैं उनको बता दिया, हमने लिखित में दे रखा पूरा बना करके चार्ट कि कहाँ शौचालय आपको थूकना नहीं है, बाहर कूड़ा नहीं करना है, पूरी उनको जानकारी भी दे रखी है, लिखित में दिया हुआ है। और इसके बाद हमारी एक टीम हमने बना रखी है, जिसमें हमारे 8-10 लोग होंगे कर्मचारी, जो लोगों को बताना दिखाना समझाना या अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनका चालान भी करने का काम करेगी। गौरतलब है कि बागेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में दानपुर, जोहार, दारमा, चौदास और ब्यास घाटी समेत बाहरी क्षेत्रों से व्यापारियों और लोगों का जमावड़ा लगता है। प्रदेश भर की जेलों में बंद कैदियों की खराब हालत के मामले में उच्च न्यायालय नैनीताल ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति में जिला जज नैनीताल कुमकुम रानी, जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनमेजय खंडूड़ी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने इस समिति को जेलों का निरीक्षण कर 12 जनवरी तक न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जेल सुधार से संबंधित मामले में याची का कहना था कि उत्तराखंड की सभी जेलों में रह रहे कैदियों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय मूल के सांसदों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न देशों से आए सांसदों को किया संबोधित, कहा वे भारत के विकास में बने भागीदार। भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के लिए 10,000 करोड़ की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में किया संशोधन। और ऋषिकेश में बेकाबू ट्रक की वाहनों से टक्कर, भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत और 5 घायल। शहर के बीचों बीच हीरालाल मार्ग पर हुआ हादसा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।